हे गाइज, मैं नैन्सी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइज, आज की इस वीडियो में आपके साथ बहुत ही अच्छे अच्छे DIY शेयर करने वाली, काफ़ी अच्छी सी ड्राइंग हम लोग शेयर करेंगे आपके साथ। तो अभी मैं यहाँ पे ली हुई हूँ, ये देखिए मेरे पास थोड़े से कुछ प्लाई के टुकड़े थे, तो मैं इसको कुछ इस तरीके से काट ली हुई हूँ और इसी से अब हम बनाएंगे कोस्टर। और कोस्टर गाइज हम काफ़ी यूज़ में होता है हमारे लिए और जो है अच्छा भी लगता है घर में देखने में भी। तो यहाँ पे मैंने वॉल पुट्टी ले ली है और इसको कुछ इस तरीके से पेस्ट बना लिया है। और यहाँ पे प्लाई को स्मूथ करने के लिए इस पर एक पतली सी लेयर हम लगा देंगे, जिससे प्लाई का जो रफ़ सरफेस है वो स्मूथ हो जाए। और ये मैंने इसको 2-3 घंटे के लिए सूखने को छोड़ दिया है, तो अब ये पूरे अच्छे से ड्राई हो चुका है। तो अभी इसके ऊपर हम करेंगे पेंट। यहाँ पर मैंने पेंट ले लिया है और ये कुछ इस तरीके से है, तो स्पॉन्ज की हेल्प से हम इसको पूरे को पेंट कर देंगे। यहाँ पे मैं आपके साथ 5-6 DIY शेयर करूँगी, जो कि काफ़ी अच्छे अच्छे हैं, आप किसी भी स्टाइल में कोई भी सब बना सकते हो। तो यहाँ पे देखिए, मैं स्पॉन्ज से करने के बाद उसको फिनिश दे रही हूँ और इसको मैं ओवरनाइट छोड़ दी हूँ, तो ये कुछ इस तरीके से सूख गया है। ये पेंट है तो इसीलिए इसको सूखने में टाइम लग रहा है, और अगर आप फैब्रिक पेंट यूज़ करेंगे तो वो 1-2 घंटे में सूख जाता है। और ये पीछे की साइड को भी मैंने अच्छे से पेंट कर दिया है और वहाँ भी ड्राई हो गया है। तो अब सबसे पहले हम इसमें करेंगे येलो कलर का। मैं कुछ अलग अलग डिज़ाइनें बताऊंगी, तो आप इसमें से कोई भी डिज़ाइनें बना सकते हैं। तो पहला डिज़ाइन हम ये स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले इसका जो पूरा सरफेस है इसको हम येलो कलर से कलर करेंगे, और दूसरा वाले में मैंने कुछ इसमें ब्लू कलर से लाइट कलर बना दिया है। ब्लू और ग्रीन मिला के, वाइट ब्लू ग्रीन तीनों को मिला के कुछ ये कलर मुझे मिला हुआ है, तो मैं इस कलर से बना दी हूँ। और ये थर्ड हमारा जो है, ये हम इसको मैं ब्लैक कलर से पूरा पेंट करेंगे और इसमें ब्लैक इसमें दूसरा डिजाइन हम बनाएंगे। और ये चौथा जो हमारा है, इसमें मैं ब्लू कलर से इसको पेंट कर रही हूँ। ब्लू में भी इसमें लाइट ब्लू है, डार्क ब्लू नहीं है। तो यहाँ पे सबसे पहले डिज़ाइन हम अपना आर्ट स्टार्ट कर देते हैं। तो गाइज, यहाँ पे मैं मंडाला आर्ट बना रही हूँ, जो कि बनाना देखने में तो काफ़ी खूबसूरत लगता है, पर बनाना थोड़ा सा टफ भी पड़ता है। पर अगर आप ट्राई करेंगे तो आप ज़रूर बना लेंगे। इसमें अलग अलग साइज़ की आपको ज़रूरत पड़ेगी इंस्ट्रूमेंट के, क्योंकि यहाँ पे देखिए मैं किसी बना रही, मेरे पास इसको बनाने के लिए कोई भी इक्विपमेंट नहीं था, तो मैं इसमें कहीं ब्रश का यूज़ की हूँ, कहीं पे निडिल का, और कहीं पे कुछ पतली लकड़ी का यूज़ की हुई हूँ। तो आप भी इस तरीके का यूज़ करके बना सकते हैं, अगर आपके पास इसको बनाने का इक्विपमेंट नहीं है तो। तो यहाँ पे देखिए कितने बारीक से मैंने छोटे छोटे से डॉट कर दिए हैं, कुछ आपको बड़े डॉट के अकॉर्डिंग ही आपके पास इक्विपमेंट होने चाहिए। तो यहाँ पे मैंने येलो और रेड दो कलर का यूज़ किया हुआ है, और दोनों काफ़ी अच्छा कॉम्बिनेशन इनका जा रहा है। तो ये कुछ इस तरीके से है, आपको छोटा बड़ा करके इसमें बनाना है। और डॉटेड जो है होता है, ये पूरा डॉट पे डिपेंड होता है, आपका डॉटेड ही इसमें अच्छा लुक लाता है। तो वही आपको मेन है, उसी पे आपको फोकस करना होता है कि जो आप डॉट बना रहे हैं वो डॉट आपका साइज उसकी जो है एकदम परफेक्ट हो। तो यहाँ पे मैं कुछ इसी तरीके से बना रही हूँ। अभी देखिए यहाँ पे मैं ब्रश का यूज़ कर रही हूँ, ब्रश के पिछले पोर्शन से मैं बड़ा डॉट बना रही हूँ। तो आप कुछ इसी तरीके से, आप भी, आपके पास अगर इसके इक्विपमेंट नहीं है तो आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी ले करके आप बना सकते हो। यहाँ पे मैं निडिल का यूज़ करके अभी बना रही हूँ। तो इसी तरीके से मैंने अलग अलग इक्विपमेंट यूज़ किए हैं, और फाइनली ये देखिए इसका लुक काफ़ी खूबसूरत सा लग रहा है और बन भी गया है ये हमारा, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और ये दूसरा हम बनाने चल रहे हैं, ये मैंने सेलो टेप ले लिया है। अब इसी सेलो टेप को हम पूरे में कुछ इसी तरीके से लगा देंगे, जिस आपको एंगल में दिख रहा है, मैंने इसी एंगल में लगाया हुआ है। तो इसमें लगाने के बाद इस पर हम करेंगे कलर, और यहाँ पे मैं इस कलर करने के लिए पिंक कलर ली हुई हूँ। तो आप पिंक कलर से कर सकते हो, आपके पास और भी कलर है तो आप और भी अदर कलर से कर सकते हो। कलर आपके ऊपर टोटली डिपेंड है कि आप किस कलर से करना चाहते हैं। तो ये कुछ इस तरीके से है। अभी हम अपना नेक्स्ट डिज़ाइन स्टार्ट करेंगे। तो इसमें मैं देखिए कुछ इस तरीके से सेलो टेप लगा रही हूँ, और आप सेलो टेप से ही अलग अलग तरीके का डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हो, काफ़ी यूज़फुल होता है। तो यहाँ पे मैं इसी तरीके से अगला बना रही हूँ, तो आप वो भी देख लीजिए किस तरीके से बनता है। तो ये देखिए, अभी मैं इसको करने वाली हूँ ग्रीन कलर से पेंट, और ग्रीन मैंने यहाँ पे लाइट ग्रीन लिया है, थोड़ा सा वाइट कलर मिला के, तो इसको कुछ इस तरीके से मैंने ग्रीन कलर बनाया हुआ है, एक बिल्कुल लाइट ग्रीन है।
तो आप भी अगर कलर इसमें से जो कलर है तो मैं कलर कॉम्बिनेशन भी बताते जा रही हूँ, तो उस हिसाब से आप बना लीजिएगा। तो यहाँ पे मैंने सेलो टेप निकाल दिया और ये कुछ इस तरीके से है। थोड़ा सा वाइट कलर लेके हम इसको सेट कर देंगे। और इस वाला ये वाला भी हमारा ड्राई हो चुका है, तो इससे भी देखिए मैंने यहाँ से टेप उखाड़ दिया। और अब इन सबको हम थोड़ा सा सेट कर देंगे तो इसका लुक अच्छा आ जाएगा। यहाँ पर देखिए मैंने वाइट कलर लेके थोड़ा सा फिनिशिंग दे दी है। तो ये अब हम अपना अगला DIY स्टार्ट करेंगे बना। इसमें मैंने ब्लैक कलर से मैं डिज़ाइन बना रही हूँ, येलो कलर वाला है, तो इसमें कुछ अलग तरीके का डिज़ाइन बनाएंगे। तो अभी यहाँ पे देखिए ब्लैक ब्लू और रेड तीन कलर के कॉम्बिनेशन में डिज़ाइन ये बहुत ही इजी है, बहुत ही आसानी से आप बना सकते हैं। इसको बनाना बिल्कुल भी टफ़ नहीं है। तो आप कुछ इसी तरीके से ये डिज़ाइन है तो आप देख सकते हैं और बना भी सकते हैं इसके जो है। यहाँ पे मैंने जितने भी डिज़ाइन बताए हैं गाइस काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है और बहुत इजी डिज़ाइन आपको बताए हैं, तो आप अगर बिगनर्स हैं तो आपके लिए भी काफ़ी आसानी हो जाएगी इन सब डिज़ाइनों को बनाना। बिल्कुल टफ नहीं है और काफ़ी खूबसूरत सा भी है कि बहुत ही अच्छा लुक आ रहा है सब चीज़ों का। तो आप इस तरीके से बना लीजिए। यहाँ पर मैंने कई सारे डिज़ाइन आपके पास कई सारे ऑप्शन दे रखे हैं, तो आप कोई सा भी सेलेक्ट करके कुछ भी बना सकते हैं। तो और ये जो है आपके लिए बहुत ही यूज़फुल है, काफ़ी इंटरेस्टिंग लगता है देखने में भी। और नेक्स्ट ये देखिए मैं पेंटिंग स्टार्ट कर रही हूँ, ये ब्लू कलर है और इसमें पूरा वाइट कलर से हम इसको पेंट करेंगे। और अभी यहाँ पे पेंटिंग जो मैं वाइट कलर से कर रही हूँ तो इसमें थोड़ा सा जो है डिम आ रहा है वाइट कलर, तो इस पर क्या करें जब ये हमारा ड्राई हो जाएगा तो फिर से इस पर हम दूसरे कलर से पेंट कर देंगे, फिर से एक कोट और इस पर हम लगाएंगे। और गाइस आपको बता दें अगर आप डायरेक्ट पेन से कम ब्रश से कंफर्टेबल हैं अगर डिज़ाइन बनाने में तो आप ब्रश से बनाइए। अगर आप ब्रश से डायरेक्ट इस पर नहीं बना पा रहे हैं तो सबसे पहले आप पेंसिल से डिज़ाइन बना लीजिए, उसके बाद आप उस पर ब्रश अप्लाई कलर अप्लाई कर दीजिए, तो वो आपके लिए बहुत ही आसान पड़ेगा। तो अगर आप डायरेक्ट बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं है तो आप उसी तरीके से बनाइए, तो बहुत इजी पड़ेगा आपके लिए बनाना और आपका डिज़ाइन भी ख़राब नहीं होगा, काफ़ी अच्छे से डिज़ाइन भी उतर के आएगा। तो यहाँ पे मेरा फ्री हैंड है तो मैं फ्री हैंड से ही बना दे रही हूँ जो भी डिज़ाइन मेरे मन में आ रहा था। तो कुछ इसी तरीके से यहाँ पे मैंने पूरा ब्लू कलर से इसे बना दिया है वाइट कलर में। तो इसी तरीके से आप भी बना सकते हो, अगर आप फ्री हैंड हैं तो आप डायरेक्ट भी बना सकते हैं। तो काफ़ी खूबसूरत सा लग रहा है, आप भी देखिएगा। और गाइज़ आपको अगर ये वीडियो पसंद आएगा तो और हमारे डिज़ाइन पसंद आएंगे तो हमें ज़रूर कमेंट में बताइएगा। तो नेक्स्ट वीडियो हमारा नेक्स्ट DIY है जो है ये कुछ इस तरीके से, इसमें हम बनाएंगे वाटरमेलन जो कि बहुत ही खूबसूरत लगता है, एक समर वाला लुक देता है। तो यहाँ पे वही मैं बनाने वाली हूँ वाटरमेलन। और ये देखिए कुछ इस तरीके से सबसे पहले हम इस वाले को रेड से स्ट्रक्चर दे के उसके बाद इसको ड्राई होने देंगे। गाइज़ यहाँ पे अगर आप कोई दूसरा कलर करने जाते हैं ना तो पहले कलर को जो आप पहले कलर किए रहेंगे तो उस कलर को ड्राई होने दीजिएगा, उसके बाद दूसरा कलर अप्लाई कीजिएगा, नहीं तो आपका कलर क्या है ना वो फैल जाएगा। तो इसलिए पहला कलर आपका ड्राई हो जाए तभी आप दूसरा कलर अप्लाई कीजिए। तो यहाँ पे देखिए कुछ इसी तरीके से मैं पूरे में ये वाटरमेलन का एक डिज़ाइन दे रही हूँ और ये काफ़ी अच्छा भी लग रहा है मुझे, ये DIY बहुत ही अच्छा लगा अपना इसका। और अभी देखिए हमारा ड्राई हो चुका है तो इस पर मैं ग्रीन कलर से बॉर्डर थोड़ा सा बना दूंगी जिससे कि ग्रीन कलर भी दिखे इसमें। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से मैं बना दे रही हूँ जो है पीछे का साइड का। तो आप लोग ज़रूर बताइएगा कैसा लग रहा है, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। और ये जब हमारा ग्रीन कलर से हो जाएगा तो इसमें हम थोड़ा थोड़ा सा ब्लैक कलर से डॉट बना देंगे तो जिससे उसमें सीट्स के लुक आएगा। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे इसको कुछ इस तरीके से मैंने डॉट बना दिया तो इसे एक सीट वाला लुक आ रहा है कि इसमें सीट भरे पड़े हैं। और ये जो मैंने गाइस बनाया था इस वाले में अभी ड्राई नहीं हुआ था इसलिए मैंने देखिए इसको छोड़ दिया था। और अब इसमें मैं गोल्डन कलर मेटैलिक गोल्डन कलर ली हुई हूँ तो इसको जो है यहाँ पे यूज़ करूँगी। और गाइस आपको बता दें ये जो कलर होता है ना थोड़ा सा डिम होता है तो इसको आपको ना ड्राई एक एक लेयर को ड्राई करके मतलब दो तीन कोट आप दे देंगे तो अच्छे से आ जाएगा कलर। सो गाइस ये रहा सबका फाइनल लुक, आप देख लीजिए, आपको बताइएगा आपको ये डिज़ाइन हमारे सारे कैसे लगे। मैंने काफ़ी मेहनत किया है इस वीडियो में आप लोग को बताने के लिए, उम्मीद करूँगी वीडियो को पसंद आएगा। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।